दक्षिणी पश्चिमी जिले के वसंतपुर नौर थाने की पुलिस टीम ने दो ऐसे सेंधमार दोस्तों को गिरफ्तार किया है जो महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां, महंगे परफ्यूम, कैसीनो में गर्लफ्रेंड के साथ ऑनलाइन गेम के शौकीन थे। सेंधमारी में चुराए गए महंगे सामान, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी को बेचकर अपने शौक और अपनी गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विवेक कुमार गुप्ता और विक्यास शर्मा के रूप में ही है। इनके पास से 8 लाख से ज्यादा के गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी, एक दर्जन महंगी घड़ियां, परफ्यूम, महंगे सनग्लास, जूते इत्यादि बरामद हुए हैं। इन दोनों आरोपियों में से एक को दिल्ली और दूसरे को उत्तर प्रदेश से छापा मारकर एसीपी सत्यजीत सरीन की देखरेख में एसएचओ राजू कुमार की टीम ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि 26 अगस्त को सेंधमारी की वारदात को सुलझाने के लिए पुलिस टीम मामले की जांच कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हुए पुलिस टीम उत्तर प्रदेश पहुंची और फिर टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पता लगाया कि विवेक को यूपी से और ख्यास शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। दोनों यूपी के कासगंज और आगरा के रहने वाले हैं। जब पुलिस के द्वारा पूछताछ हुई तो पता चला कि ये लोग अपनी महंगे शौक को पूरा करने के लिए सेंधमारी की वारदात को अंजाम देते थे। इनका टारगेट गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी होती थी, साथ ही महंगे सामान को भी यह मौका देखकर चुरा लेते थे, फिर उन्हें बेचकर उससे मिले कैश से ही अपना शौक पूरा किया करते थे। इनकी गिरफ्तारी से दिल्ली और यूपी के कुल 9 मामलों का खुलासा पुलिस टीम ने किया है। बुलेट बाइक से वारदात को अंजाम देने वाले ये दोनों दोस्त की गिरफ्तारी से पता चला कि इन्होंने दिल्ली के वसंतपुर नॉर्थ थाना इलाके में आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दिया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कासगंज और नोएडा में 3 वारदातों को अंजाम दिया है। बहरहाल अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दक्षिणी पश्चिमी जिले के वसंतपुर नॉर्थ थाने की है, जहां से इन दोनों को अब जो है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पूरे मामले को लेकर दक्षिणी पश्चिमी जिले के डीसीपी रोहित मीणा क्या कहते हैं, आइए सुनाते हैं आपको। ये बेसिकली इंटरस्टेट बर्गलर्स थे। 26 अगस्त को हमारे एक इंसिडेंट हुई थी, उसमें बर्गलरी की इंसिडेंट हुई थी वसंतगंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन के एरिया में। उसमें ज्वेलरी गई थी और बाकी सामान भी गया था। तो इसी में हमारी जब टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी, एसीपी सत्यजीत सरीन वसंतगंज के एसीपी और इनके नेतृत्व में एसएचओ वसंतगंज नॉर्थ इंस्पेक्टर राजीव, इनकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए जब ये सीसीटीवी फुटेज ट्रेल करते हुए यूपी पहुँचे और यूपी में ये जो पहले अक्यूज्ड है विवेक कुमार गुप्ता जो कि 26 साल का है और विख्यात शर्मा और 22 साल का, इनको दो को पकड़ा है। इनसे काफ़ी सारी हमारी वारदातें के बारे में पता चला और ये बडिंग क्रिमिनल्स हैं। इनसे जो हमारी जो रिकवरी है, लगभग 100 ग्राम सोना हमने रिकवर किया है, 1 किलो चांदी रिकवर की है, 12 लग्जूरियस वॉच हमने रिकवर किए हैं, जूते, अपाची बाइक हमने रिकवर करी है, सन ग्लासेस रिकवर किए हैं, परफ्यूम्स रिकवर किए हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये ऐसे ऊंचे शौक, कैसीनो में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग करने का शौक, ऐसे ये शौक पालते थे और इन्हीं के तहत ये ऐसी वारदातें करते थे। और ये जो सामान जो चोरी हुआ उसको बेच के ये घड़ी खरीदते थे, लग्जूरियस घड़ी खरीदते थे, जूते खरीदते थे और क्लब्स बार में जाते थे, बाइक्स पे रील बनाते थे और ये काफ़ी एक्टिव थे। तो एक अच्छे गैंग को बस्ट किया टीम ने और इतनी सारे मामलों को सुलझाया, ना सिर्फ दिल्ली के मामले, इसमें यूपी के भी मामले शामिल हैं। गर्लफ्रेंड के साथ इंस्टाग्राम में क्लब में जाना और गर्लफ्रेंड पर भी काफ़ी पैसे खर्च करते थे। जो हमारी इंट्रोगेशन है उसमें कुछ कुछ हमें वीडियोस मिले हैं जिसकी हम जांच कर रहे हैं। तो वो जो अपने जो महिला दोस्त हैं उनके साथ पार्टी करने चाहते थे और उन्होंने ये बताया कि उनके लिए काफ़ी शॉपिंग भी करी और उसमें भी हमने कुछ रिकवरी किया, अभी उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और सही कहाँ से गिरफ्तार हो गए? ये एक यूपी से गिरफ्तार हुए और एक दिल्ली के एरिया से गिरफ्तार। अच्छा, ये आरोपी जो है अपने चाचा के यहाँ भी चोरी किया था? हाँ, उसमें यूपी पुलिस में इन्वेस्टिगेशन जारी है और बता रहे हैं घर से भी इन्होंने अपने घर से भी चोरी की, क्योंकि इनको ऑनलाइन गैम्बलिंग का काफ़ी शौक है और ये इंस्टाग्राम के थ्रू इन्होंने कुछ ऑनलाइन गैम्बलिंग के जो ठिकाने हैं पता किए हैं और उन्हीं पे ये आईडी बना के ऑनलाइन गैम्बलिंग करते थे। और ये सिर्फ बुलेट से ही जाते थे जहाँ भी चोरी करते थे, पर डिलीवरी करते थे? अलग अलग व्हीकल्स यूज़ करते थे, लेकिन जो हमें जो व्हीकल यूज़ किया गया क्राइम में वो भी रिकवर हुआ।
और टैटू भी काफ़ी शौक थे इसके। हाँ, टैटू भी इन्होंने शरीर में काफ़ी बनवा रखे थे और कई सारे शौकीय टैटू इन्होंने बनवा रखे हैं, और जो हमें पूछताछ के दौरान पता चला।